हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NH Creations में। दोस्तों, मेरे शिव तांडव स्तोत्र के ट्यूटोरियल को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस करके बताया कि हमने वो अच्छे से याद कर लिया है और आप हमें ये वाला स्तोत्र सिखा दीजिए। कई लोगों की अलग अलग रिक्वेस्ट आई हैं, किसी को कोई सा स्तुति सीखनी है, किसी को कोई स्तोत्र सीखना है, किसी को ये चीज़ सीखनी है। पर मैंने जो सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड आ रही है वो दो चीज़ों को निकाला है, एक रुद्राष्टकम को और एक महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र को। और उसमें से जो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी वो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र होगा, क्योंकि हमारे नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों तक मैंने सोचा कि हम अगर ये याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये हम नवरात्रों में गा भी पाएंगे माता के आगे और उनकी कृपा प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र की। उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगी कि गणेश जी का एक बार मंत्र या स्तुति ज़रूर कर लीजिए, तो जिससे हमारे काम सफल हो जाएं आगे के। ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए स्तोत्र को शुरू करने से पहले हम एक बार गणेश जी को याद कर लेते हैं, ताकि हमें हमारे स्तोत्र को याद करने में सफलता मिले और हम अच्छे से माँ के आगे इसको गा पाएँ। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं ओम श्री गणेशाय नमः, जय माता दी। हमारा पहला श्लोक इस प्रकार है, अयि गिरि नंदिनी नंदितमे दिनी विश्व विनोदिनी नंदनु ते। अयि गिरि नंदिनी नंदितमेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनु ते। गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनु ते। गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनु ते। भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। आइए अब इस पूरे श्लोक को हम एक बार इसका उच्चारण करते हैं। अयि गिरि नंदिनी नंदितमेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैल सुते। हमारा पहला श्लोक पूरा हो गया है उच्चारण सहित। अब इसका हिंदी में भावार्थ जान लेते हैं। पर्वतराज यानी गिरिराज की नंदिनी यानी गिरिराज हिमालय की कन्या रूपिणी, पृथ्वी को आनंदित करने वाली, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगणों से नमस्कार की जाने वाली, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भक्ति रूप में प्रतिष्ठित विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी माता पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। आइए अब हम अपने दूसरे श्लोक की शुरुआत करते हैं। हमारा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है, सुरवर वर्षिणी दुर्धर दर्शिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षर ते। त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी कलमश मोषिणी घोषर ते। दूसरा छंद, धनुज निरोषिणी दुर्मद शोषिणी दुर्म निरोषिणी सिंधु सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। अच्छा, आपको एक बार ये बता दूँ, मैं ऐसा इसलिए गा रही हूँ क्योंकि ये मैं सिखा रही हूँ, ये मैं गा नहीं रही हूँ, सिखा रही हूँ पहले, इसलिए मैं अलग अलग करके गा रही हूँ, ठीक है। अब हम इसका उच्चारण देखते हैं।
सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी कल्मश मोषिणी घोषरते धनुज निरोषिणी दुर्मद शोषिणी दुर्मुनि रोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ये दूसरा श्लोक भी हमारा पूरा हो गया है। आइए इसका भावार्थ देख लेते हैं। देवराज इंद्र को समृद्ध बनाने वाली, दुर्धर तथा दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप करने वाली, अहंकारियों के मद का हरण करने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी माता पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हमारा पहला और दूसरा श्लोक कम्प्लीट हो गया है। आइए एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं, दोनों को एक साथ गाकर देखते हैं कैसा लगता है। आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि कल्मश मोषिणि घोषरते धनुज निरोषिणि दुर्मद शोषिणि दुर्मुनि रोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैल सुते। हमारे दोनों श्लोक पूरे हो गए हैं। आप इसको तब तक याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगली वीडियो में मैं अपने अगले श्लोक बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव और जय माता रानी की जय।